अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्शन गुरु। मैं हूं वली, मेरे साथ है शेन भाई। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली प्रेड एंजॉय की होगी इन लोगों ने जो इनकी रिसेंटली गुजरी है, और इस डे को शिवरात्रि डे भी कहते हैं। तो ये हमें पता चला है कि ये एक ही दिन होता है, आर्मी डे जो सेना डे होता है उसको भी, यस। तो आई थिंक उसका भी कोई वीडियो निकाल के देखेंगे, लेकिन आज जो है नेपाल की आर्मी डे परेड, तो देखते हैं कि वो कैसे होगी, क्योंकि हमारी भी आज से बस कुछ ही दिनों बाद होने वाली है, 23 मार्च को होती है। तो लेट्स सी कि नेपाल क्या शो कर रहा है पावर में या फिर लोगों में। तो लेट्स, नमस्कार साथीहरु, देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। सधैं जसो शिवरात्रिका दिन मनाइने सेना दिवस 2077 साल पनि हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न भएको छ। परिंदे हटाओ भाई, एक्सीडेंट कराते हैं। संपूर्ण सामग्री हरू नछुटाइकन नेपाल के झंडे आ रहे हैं ऊपर से। जय नेपाल, जय नेपाल। दैट इज नेपाली फ्लैग, और ये इस पे कुछ ग्राफिक्स एंड A061 बेल। पायलट इन कमांड पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सुभाष खड़का विद पायलट कैप्टन सुशील कोइराला, फॉलोड बाय एन A038 MI17 पायलट इन कमांड पायलट कर्नल किरण थापा विद पायलट कैप्टन मणिराज लामा एंड इंजीनियर मेजर श्रीकृष्ण कवि। रेड ग्राउंड के ऊपर से हमारे भी ऐसे आते हैं ना, पहले हेलीकॉप्टर, फिर एरोप्लेन, जो जो होते हैं भाई सब शो करते हैं। पिछले साल तो किसी की भी नहीं। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, प्रधान सेनापतिको झण्डा र नेपाली सेनाको 8 पेतनहरूको झण्डा सहित नेपाल क्याभलरी मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कंट्रीज के भी हैं डिफरेंट, बीच में ऐसे शो हो रहे हैं कंट्रीज के, बीच में भूटान का भी लग रहा था एक फ्लैग। तो ये दो खास के जैसे भाई चलते ट्रक में स्टिल ये वो मशीन गन है, एयरक्राफ्ट गिराने वाली एंटी एयरक्राफ्ट। हिट द बॉल न्योटा एपीसी हरु सहित अगाडि बढिरहेको छ। नम्बर 17 ब्रिगेड विथ आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल यूएन केबीआई, द डायरेक्टरेट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्प्लेइंग रिलीफ इक्विपमेंट प्रिपेयर्ड इन कंसोनेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ मीडियम लेवल सर्च एंड रेस्क्यू टीम। कैसा फील होता होगा यार उड़ते उड़ते, वृंदावन के नीचे दिल तो ऊपर ही उठ जाता होगा। The Mid Eastern Division presenting Maithili dance. The dance form reflects the culture and lifestyles of Mithila region of Nepal. Particularly, the dance is performed in Janakpur Dham of Thanusa during the celebration of Vivaha Panchami of Lord Ram and God of Mahashivaratri and Army Day 2077. School Sergeant Ramesh Chaudhary carrying the flag of Valley Division Headquarters. Warrant Officer 1st Jeevannath Pokhril carrying the flag of Renting Tama Silo. Army har kisi ki na badi discipline kisam ki English hi bolti hai. English hota hai. विभिन्न चाड़ पर्व तथा उत्सवहरूमा नाच्ने गर्दछन्।
peacock dance is one of the most famous cultural practices in the Western Bengali. अच्छा कुछ skit मार के straight होता है. मोचकोगराका प्रदर्शन भइरहेको छ विशेष गरी बाकी बर्दिया दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा दशैंको अवसरमा परिवार आफन्तजन र साथीभाइ जम्मा भई टीका हुन शुभकामना तथा माया साथसाथ गर्दै मौलिक वेशभूषामा सजिएर हुटुका नाच नाच्ने गरिन्छ. हावा चल्दै मुश्किल है. The Northwestern Division is presenting traditional attires and बहुत आवाज आ रही नजर आ रहा ऑफ बैलेंस हो रहा बंदा. Distinguished guests, ladies and gentlemen, देशका विभिन्न स्थानबाट हजारौं व्यक्तिको सफल उद्धार गर्न सफल भएको थियो. यसैगरी विशेष गरी प्रतिकूल मौसमको बावजुद पनि लाङदाङको हिम पहिरोमा पुरिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको उद्धार गर्न यस टिम सफल भएको थियो. यस टिमले क्यारी गर्न आफ्नो उत्कृष्ट कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ. यस क्रममा 2073 सालमा धारीको रिगाउमा पहिरोमा फसेका स्थानीयहरूको सकुशल उद्धार, 2075 साल फागुनमा ताप्लेजुङ पाथिभरामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सवार हेलिकप्टर दुर्घटनाको उद्धार तथा 2076 सालमा कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिम पहिरोबाट ज्यान गुमाएका कोरियन नागरिक चारजना र नेपाली US का प्लेन क्रैश हुआ था हिट करने से. इंजन फेल हो गया. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. A recent dark operation was the avalanche response operation in Annapurna Mountains last year, where the remains of 4 Korean citizens and 2 Nepali citizens were recovered successfully in harsh conditions. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सचेत प्रेम, उच्च हिमाली भूभाग, साँगुरो जमिन, कठिन भौगोलिक बनावट तथा अति विकट खोज इलाकाहरूमा फँसेका व्यक्ति तथा घाइतेहरूको उद्धार गर्न डार टिमले यस्ता विशेष किसिमका टेक्निकल रेस्क्यू अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएको छ. डोरी र बास्केटको सहायतामा उद्धार कार्य गर्दछन्. आजको यस प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टरको माध्यमबाट टेन्डम र विशेष उपकरणको प्रयोग गरी उद्धार कार्य गरिँदैछ. ओके जी, बड़ा एक जबरदस्त वीडियो भाई. नेपाल आर्मी का एग्जीबिशन जो परेड थी, इम्प्रेसिव लगा. सारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया. डिफरेंट उनके हमें यूनिट्स भी देखने को मिली, इक्विपमेंट भी देखने को मिला, और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो भी देखने को मिले. तो ऑल एंड ऑल इट वाज अ गुड पैकेज. मतलब हमें नहीं पता था कि इतना कुछ है नेपाल के पास, क्योंकि हमें तो लगता था नेपाली लड़ते नहीं है कभी किसी के साथ, तो इसलिए अभी कुछ इतना आर्मी पे वो भी एक्सपेंड नहीं कर रहे होंगे. वो तो है, लेकिन वो हर बार, लेकिन वो उस जमाने में, अब लेटेस्ट जंगे तो भी बहुत कम ही हो गई हैं जो इन इक्विपमेंट के साथ होती हैं. वो तो हमारे ही बस इंडिया पाकिस्तान इस रेस में जा रहे हैं आगे आगे एक दूसरे को दिखाने के लिए. बड़ा पीसफुल कंट्री है आपका, जिसका लकी पीपल, मतलब पीसफुल कंट्री अभी तक जा रहा है. दोनों बॉर्डर्स, मतलब इंडिया के साथ थोड़ा चलता रहता है, चाइना के साथ इतना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो देखो इंडिया के सब बॉर्डर्स हर वक्त क्लैशेस, बल्कि इंडिया के साथ क्या हर बॉर्डर पे क्लैश चल रहा होता है. बेस्ट विशेज, इसी तरह आप लोग प्रॉस्पर करते रहे डिफेंस के भी इस सेक्टर में, और मज़ा आया देख कर. और बेस्ट विशेज इस डे के लिए, आपको गुजर गया है जो डे. तो फिर मिलते रहेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.